बात करते हैं सनी देओल की। सनी देओल का नाम बड़े बड़े और दिग्गज अभिनेताओं में शुमार है। सनी देओल अपने 2.5 किलो के हाथ के साथ साथ बॉलीवुड में अपने गुस्से के लिए भी काफी मशहूर हैं। कहा जाता है कि अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो किसी की बात नहीं सुनते। सनी देओल ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने अब तक गदर, घायल, त्रिदेव सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। सनी को फिल्म जगत में एक एक्शन हीरो के बतौर पर जाना जाता है। सनी ने अपनी फिल्म गदर में तो पड़ोसी मुल्क का हैंडपंप ही उखाड़ दिया था। उनके साथ इस फिल्म में अमीषा पटेल ने काम किया था। यह फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई थी, लेकिन इस फिल्म के लिए अवार्ड लेने एक फंक्शन में पहुंचे सनी देओल ने कुछ ऐसा किया था जिससे सभी लोग हैरान रह गए थे। दरअसल सनी देओल को फिल्म गदर के लिए बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर चाइल्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन सनी देओल को ये अवार्ड पसंद नहीं आया था और वह ये अवार्ड बाथरूम में ही छोड़कर चले गए थे। वैसे सनी देओल सहित बॉलीवुड के कई कलाकार ऐसे हैं जो अवार्ड में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं और ना ही वो किसी अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बनते हैं। सनी देओल की तरह उनके पिता धर्मेंद्र को भी अवार्ड फंक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो भी किसी अवार्ड फंक्शन का हिस्सा नहीं बनते हैं। इन दोनों ने फिल्म जगत में दिए जाने वाले इन अवार्ड्स को लेकर कई बातें कही है और अवार्ड दिए जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया है। चलिए जानते हैं कि बाथरूम में अवार्ड छोड़ने की क्या थी वजह। जी टेली फिल्म्स के पूर्व CIO संदीप गोयल ने अपनी किताब ऑनेस्ट टू गॉड इस बात का जिक्र किया था कि आखिरकार सनी ने न अवार्ड बाथरूम में क्यों छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि साल 2001 में आई फिल्म गदर का निर्माण जी टेली फिल्म्स ने ही किया था और फंक्शन का आयोजन भी जी ने ही करवाया था। हालांकि जब फिल्म में अवार्ड देने की बारी आई तो लिस्ट में आमिर खान की फिल्म को शामिल किया गया था, लेकिन सनी देओल की फिल्म गदर का लिस्ट में से बाहर निकाल दिया गया था। दरअसल जी ने ही सनी देओल की फिल्म गदर का निर्माण किया था और यही वजह थी कि फिल्म को इस अवार्ड फंक्शन में शामिल नहीं किया गया था। इस अवार्ड फंक्शन में आमिर खान की फिल्म लगान को बेस्ट फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसी के साथ आमिर खान को बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार भी मिला था। सनी देओल ने इस अवार्ड फंक्शन में शामिल हुए थे और उनके सामने ही ये अवार्ड आमिर खान ले जा रहे थे। जी टेली फिल्म्स के पूर्व CIO संदीप गोयल ने अपनी किताब में यह भी बताया है कि सनी देओल जब इस अवार्ड फंक्शन में शामिल हुए थे तो उन्हें कुछ लोगों ने भड़का दिया था कि उन्हें इस शो में बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया था। संदीप गोयल ने कहा था कि इस अवार्ड फंक्शन में सनी देओल के लिए एक खास अवार्ड रखा गया था। का ये अवार्ड बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर चाइल्ड्स अवार्ड था। इस अवार्ड को लेने के लिए सनी देओल मंच पर आए भी थे, लेकिन अवार्ड लेने के बाद वो बिल्कुल भी कुछ बोले नहीं और वहाँ से चले गए। डॉक्टर संदीप ने अपनी किताब में लिखा कि शो के बाद उन्हें ये सूचना मिली कि सनी देओल ने अपना अवार्ड बाथरूम में ही छोड़ दिया है। ये सुनकर उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ कि सनी देओल ने ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद उनकी और सनी देओल की कभी भी मुलाकात नहीं हो पाई। संदीप गोयल की किताब के अनुसार सनी देओल को उस वक्त से अवार्ड फंक्शन और अवार्ड देने की प्रक्रिया से नफरत हो गई और वजह है कि अब वो किसी अवार्ड फंक्शन में शामिल नहीं होते हैं। वैसे सनी देओल के साथ आमिर खान, कंगना जैसे कई सितारे हैं जो अवार्ड फंक्शन में यकीन नहीं रखते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.